नमस्कार बच्चों, YouTube विद्या भारती चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको काव्य का आवश्यक तत्व अलंकार के विषय में बताऊंगी। अलंकार हमारे काव्य को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, गठित बनाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य का स्वभाव रहा है कि वह सुंदर और सुसज्जित वस्तुओं को देखे और वह ऐसी बात कहे कि दूसरे के मन पर उसकी अमिट छाप बनी रहे। इसी प्रकार कवियों ने भी अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग इसलिए किया कि उनका काव्य सुंदर बना रहे। वैसे तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जैसे कि बनाया हुआ है, गले में पहनने का हार, आभूषण, गहना और जेवर। लेकिन साहित्य में अलंकार शब्द का अर्थ अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला। जो अलंकार अपने आप साहित्य में प्रयोग होकर साहित्य को सुंदर बना दे, वही अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं कि जो सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही अलंकार को, काव्य को सुंदर बनाए, अर्थात शब्दालंकार अपने प्रयोग से काव्य को सुंदर बनाते हैं। और अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के द्वारा जो काव्य है वह सुंदर बने। इस प्रकार से दो अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक तीसरा अलंकार और होता है, उभयालंकार। वह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी उभयालंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग हो तो वह उभयालंकार होता है। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, ऐसे तो बच्चों आपने सिक्स से ही पढ़ा है शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के अंतर्गत आपने पढ़े हैं अभी, रूपक पढ़ा है, उपमा पढ़ा है, उत्प्रेक्षा पढ़ा है। तो पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास। अनुप्रास में जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, अनेक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात कोई भी एक लिखा है वर्णों की आवृत्ति, कोई भी एक वर्ण अनेक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे रघुपति राघव राजा राम, इस उदाहरण में बच्चों ये रे वर्ण एक दो तीन चार अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस उदाहरण में चै वर्ण अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया होगा आपको कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। दोबारा बता रही हूँ कि जहाँ पर एक ही वर्ण अनेक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद आता है हमारा यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, कनक कनकते सोगुनी सोगुनी मादकता अधिकाए, मादकता अधिकाए या खाए बोराए जग वा पाए बोराए।
इसी उदाहरण बच्चों कनक शब्द दो बार आया है, दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा जो नशीली वस्तु होती है, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण सोना धातु, अर्थात दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है, काली घटा इसका अर्थ है काले बादल और घमंड घटा उसका अर्थ है कम होना, अर्थात दोनों घटा का शब्द अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आपको दोनों के इस समय आए होंगे अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अब बच्चों इसके बाद है शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ कोई शब्द तो वहीं चिपका रहे लेकिन वो अनेक अर्थ दे, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। श्लिष्ट शब्द से बना है श्लेष अलंकार, अर्थात चिपकना श्लिष्ट का अर्थ होता है, शब्द वहीं रहे और अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण है कि पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, एक पूरा इसमें जो है पूरा उदाहरण इस प्रकार है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। दूसरी लाइन में देखिए पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, इस में जो पानी शब्द है ये तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, मोती के संबंध में, मनुष्य के संबंध में और चूने के संबंध में, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण भी है, सूरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सूरन का तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, कवि के संबंध में सुंदर वर्ण, व्यवसायिक संबंध में सुंदर वर्ण वाली स्त्री और चोर के संबंध में स्वर्ण धातु, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब आपको इस तीनों अलंकार समझ में आए होंगे, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, अनुप्रास अलंकार जहाँ पर किसी एक वर्ण, कोई एक वर्ण अनेक बार आए या वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, अनेक उदाहरण और भी है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। फिर है यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ होता है यमक अलंकार। उदाहरण है हिसाब में लिखा मैंने, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। इस उदाहरण में भी कनक शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब है श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात शब्द वहीं रहे वह चिपका रहे, अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण इसमें कि पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, पूरा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। इस दोहे के दूसरी लाइन में पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, इस लाइन में श्लेष अलंकार है। पानी का तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, मोती के संबंध में, मनुष्य के संबंध में, चूने के संबंध में। अब बच्चों अब आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार देखिए, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकार और भी इसके अलावा नहीं, पहले तीन पढ़ेंगे। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ होता है रूपक अलंकार। लेकिन पता हमें लगना चाहिए कि उपमेय उपमान क्या है। उपमेय वो है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जो हमारे सामने है प्रस्तुत है वह उपमेय है। उपमान वो है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वो उपमान है जैसे जो कि अप्रस्तुत है, जो हमारे सामने नहीं है। जैसे उदाहरण इसका कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण जो है प्रस्तुत है उपमेय है, चरण हमारे सामने भगवान के चरण जो है प्रस्तुत है उपमेय है, और कमल जो है उपमान है, चरणों की जो तुलना कर रहे हैं उपमान से कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके अलावा अब आता है इसके बाद उपमा अलंकार। जब दो वस्तु की समान गुण धर्म के आधार पर दूसरे से समानता की जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय की उपमान से समानता या तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है।
इसके चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इन चारों अंगों के संयोग से उपमा अलंकार बनता है। उदाहरण है कि हरिपद कोमल कमल से, हरि के चरणों की तुलना जो है कमल से की गई है। और एक पद और उपमा अलंकार में कि से समान सरिस, इसके वाचक शब्द हैं। जहाँ पर ये सब लिखे होते हैं, से लिखा हुआ है, समान लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सरिस लिखा हुआ है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, ये इसके वाचक शब्द अर्थात बोलने वाले शब्द हैं। अन्य उदाहरण भी है इसका कि पीपर पात सरिस मंडोला, सामने लिख के बता दूँ मैं आपको, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें जो है मन उपमेय है, पीपल पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोला साधारण धर्म है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इन चारों अंगों के प्रयोग से, प्रयोग करने पर उपमा अलंकार बनता है। उपमा अलंकार का यही आप ध्यान रखें बच्चों, उसमें जो है जब इसके वाचक शब्द आए, जहाँ लिखा हुआ हो, से हो, समान हो, सी हो और सरिस हो, तो वहाँ उपमा अलंकार हमारा होता है। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ हम उपमेय में उपमान की संभावना कर लेते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परि प्रभात। सामने लिख रही हूँ मैं इसको, दो उदाहरण को, सोहत ओढ़े पीत पटु सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर मनो नीलमणि सैल पर आतप परि प्रभात। इस उत्प्रेक्षा अलंकार में जो इसके वाचक शब्द हैं, मनु मानो जनु जानो, इसके वाचक शब्द हैं। जहां पर ये लिखा होता है मनु मानो, वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे इसमें सलोने गात जो है ये उपमेय है और नीलमणि सैल जो है उपमान है, कृष्ण जी के सांवले सलोने शरीर की उपमा जो है, इसे तुलना इसे नीलमणि से प्रस्तुत की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोबारा बता दूँ बेटे इसको कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और मनु मानो जनु जानो इसके वाचक शब्द हैं, कहीं अगर लिखे हुए होते हैं पहचान लेते हैं हम कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परि प्रभात। ये आपने जो ये छह अलंकार थे आपने टेंथ तक पढ़े, अब दो अलंकार बढ़ गए हैं और संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार, जब मन में अनिश्चयात्मक स्थिति बनी रहती है, उपमेय में उपमान की निश्चितता नहीं होती, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है। अर्थात इसमें नारी और साड़ी में संदेह बना हुआ है कि कौन क्या है, इस यहाँ पर संदेह अलंकार है। दोबारा देखिए कि जहाँ उपमेय में उपमान की अनिश्चितता बनी रहती है, मन में संदेह रहता है, हम निश्चित नहीं कर पाते कि ये क्या है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ भ्रम बनाता है अर्थात मन निश्चित होता है और हम कार्य कर लेते हैं, तो वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। अर्थात हम रस्सी को साफ समझ लेते हैं तो वहाँ
भ्रांतिमय अलंकार है। बच्चों ये तो आपके अलंकार हुए, अब जरा ये जो है उदाहरण है कुछ, इसमें पहचानेंगे कि कौन सा उदाहरण है। पहला है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाई। बताया था मैंने आपको अनुप्रास अलंकार में था कि जहाँ पर एक ही वर्ण अनेक बार आई, एक ही वर्ण, वर्ण होते हैं अलग अलग अक्षर, जैसे क्या 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 गया है, इसमें तय वर्ण अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब है तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी। अब इसमें जो है बेर शब्द दो बार आया है, और तो दो तीन, हाँ ये शब्द दो बार आया है, बेर शब्द दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बेर का अर्थ है तीन बार, और एक बेर का अर्थ है फल, जो खाने वाला फल होता है बेर, इसलिए दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस बेर का अर्थ अलग है बार है, तीन बार हो गया, इस बेर का अर्थ है, इसका अर्थ है फल, अर्थात वह तीन बार तीन बेर खाती थी, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अब है कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लिखोरी अमोलक मोल। पहचानेंगे कैसे इसमें हम कौन सा अलंकार है, तो पहचानने की ट्रिक वही है, बता होनी चाहिए हमें तो परिभाषा याद होनी चाहिए। तो इसमें जो है कै वर्ण एक दो तीन चार पाँच, कै वर्ण अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यह है तापस बाला सी गंगा। अब इस सी है, सी वाचक शब्द है, ये इसमें आया है, तो हमें पता होना चाहिए सी कहाँ पर था हमारा, तो हमारे उपमा अलंकार में थे ये सी समान सरिस, ये वाचक शब्द थे, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब हमें पता होगा वाचक शब्द क्या है हमारे, उससे हम पहचान सकते हैं, या परिभाषा में याद हो हमें परिचय, उसे पता हो क्या नियम है उसका, तो पहचान कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब है ऊधो जोग जोग हम नहीं, यहाँ जोग शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक जोग का अर्थ है योग साधना, दूसरे जोग का अर्थ है योग्य, अर्थात हे उधो तुम्हारा जो योग साधना है ये हमारे योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक जोग का अर्थ है योग साधना, एक जोग का अर्थ है योग्य, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। फिर है मनु हरि दर्शन हे चंद जल बरसत सुहाए। अब बताया था मैंने कि मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, मनु आ गया, तो हम समझ गए यहाँ पर कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु हरि दर्शन हे चंद्र जल बसत सुहाए, कि मानो हरि के दर्शन के लिए चंद्रमा जल में बस गया हो, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये जो उदाहरण हैं, ये उदाहरण आपको समझ आए होंगे कि हमने जो परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के आधार पर ये उदाहरण में पहचान सकते हैं हम कि कौन सा अलंकार है कौन सा नहीं। हाँ तो बच्चों अभी आपने जो अलंकार समझे, अब देखते हैं कि हमारे परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं के आधार पर आपको उत्तर देना होता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि किसी भी अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। कोई भी अलंकार का नाम दे देंगे, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी होगी, या ये देंगे कि वहाँ पर कोई उदाहरण दे देंगे, इस तरह के उदाहरण लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, उदाहरण देकर पूछेंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरह से पूछता है। तो यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये लाइन मान लो वहाँ पर आती है, तो आपको बताना है उसमें लिखा होगा ऊपर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों है, तो हम पढ़ेंगे इसको, पता होगा हमें कि से याद होगी हमें, तब पहचान पाएंगे इसको हम। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर तरुवर बहुचाए, तो इस पंक्ति में उदाहरण में तय वर्ण अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में भी घटा शब्द, अब देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ तो वर्ण आया था, यहाँ शब्द है, वर्ण में शब्द में अंतर है। वर्ण खाली अलग अलग होता है, जैसे कह कह गए ए आ ई, ये वर्ण है, और शब्द क्या है, वर्णों को जोड़कर बनता है वो शब्द हो जाता है हमारा, तो यहाँ पर वर्ण है और यहाँ शब्द है। जहाँ इसमें बताएंगे हम कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक बार ये आया दूसरी बार ये आया,
और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये यमक अलंकार का उदाहरण है कि घटा शब्द यहाँ पर बादल है और वहाँ घटा शब्द कम होना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि अनूले पंसा मधुर स्पर्श। अब उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द थे वो थे सा, सी, समान, सरिस। इसमें सा जो है वाचक शब्द आया है और उपमा अलंकार का, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब बच्चों ये आपने देख लिया, अब जरा दोबारा से फिर डिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा अभी। पहला देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या आता है कि जब काव्य में किसी एक वर्ण, कोई एक वर्ण अनेक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण तो आपने ये देख लिया, तरणी तरण तट तमाल तरुवर बहुछाए, या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें चै वर्ण अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अब है इसके बाद यमक अलंकार, जहाँ पर कोई एक शब्द, यहाँ बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, वर्ण में और शब्द में, अनुप्रास में वर्ण है और यमक में शब्द है। तो इसमें हम बताएंगे कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जैसे यहाँ पर आया, देखिए घटा शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ बादल है और यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ कम होना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके बाद शब्दालंकार के अंतर्गत आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है, श्लेष का मतलब अर्थ होता है चिपकना, श्लिष्ट होना, अर्थात जब कोई शब्द एक बार आए और वो अनेक अर्थों को दे, अर्थ बताए, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, कवि के अर्थ में और व्यभिचारी के अर्थ में और चोर के अर्थ में, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये तीनों जो है शब्दालंकार के अंतर्गत थे। बच्चों शब्दालंकार आपने पहले पढ़े और आज भी समझे तो ये आप दोबारा आप इसको इनको पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहले नंबर पर आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। अब हमने बताया था मैंने आपको पहले भी कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय ये है कि जो आपके सामने है, जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, जो प्रस्तुत है वह उपमेय है, जिससे तुलना कर रहे हैं जो अप्रस्तुत है वो उपमान है। सॉरी। तो इसमें जो है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, चरण कमल बंदोराई। इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत है और कमल अप्रस्तुत है, चरण उपमेय है, कमल उपमान है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की समान गुण, धर्म, जाति के आधार पर दूसरी वस्तु या व्यक्ति से समानता की जाती है, तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इन चारों के संयोग से उपमा अलंकार बनता है। उदाहरण इसका कि हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और से वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो जनु जानो इसके वाचक शब्द हैं, अर्थात उदाहरण इसका सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परिप्रभात। क्या अर्थ हुआ इसका कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। कृष्ण जी ने अपने सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं, मनो नीलमणि सैल पर आतप परिप्रभात। ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य किरणें पड़ रही हों,
क्योंकि कृष्ण जी का शरीर भी सांवला था और नीला पर्वत नीलमणि से तुलना की गई है उसकी, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बच्चों यदि हम ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो इससे भी हमें हमारे जो अलंकार हैं वो याद हो सकते हैं। जैसे पहला है बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। यदि किसी पंक्ति में कोई भी वर्ण बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, तो वहाँ पर जहाँ पर भी ये बार बार एक वर्ण आता है तो वह हमारा अलंकार अनुप्रास होता है। ये इस लाइन को यदि आप याद करेंगे तो आपको ये पहचान हो जाएगी अनुप्रास अलंकार की। अब है यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, अर्थात यमक अलंकार में कोई शब्द जोड़े में आकर, दो बार आकर, तीन बार आकर, जोड़ा आता है, दो शब्द आते हैं और उसके अलग अलग अर्थ भी होते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यमक अलंकार है। इनकी भाषा याद नहीं होती तो ये याद करेंगे आप कि यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, अर्थात यमक में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब अगला है कि श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों आते, कि श्लेष अलंकार में शब्द तो एक जगह होता है लेकिन वह अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे बताया मैंने कि रहीमन पानी राह किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसकी दूसरी लाइन में पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें पानी का तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, मोती के संबंध में, मनुष्य के संबंध में और चूने के संबंध में। अब चौथा है कि सा सी से समान सरिस मान लो उपमा जी की आशा, अर्थात उपमा अलंकार के ये वाचक शब्द हैं, सा है, सी है, से है, समान है, सरिस है, इनमें से जहाँ कोई भी एक शब्द यदि उदाहरण में आता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको हरिपद कोमल कमल से, वहाँ से आ गया तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। जहाँ पर इनमें से कोई सा भी एक शब्द सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, समान आ जाए, सरिस आ जाए, जैसे पीपर पास सरिस मंडोला, इस उदाहरण में सरिस आ गया इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इनमें से कोई सा भी एक शब्द जब किसी उदाहरण में आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। अब अगला उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, क्योंकि ये मनु मानो जनु जानो जो हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जिन उदाहरण में ये शब्द आ जाते हैं, मनु आ जाए, मानो आ जाए, जनु आ जाए, जानो आ जाए या जनु आ जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हम देखते हैं। जैसे अभी इसमें आया था कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलो निगात मनो नीलमणि सैल पर आतप परि प्रभात, अर्थात उसमें मानो आ गया तो यहाँ पर जो इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब है दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, भ्रांतिमान अलंकार भी हम है हमारे पाठ्यक्रम में। जब दो चीज़ों में हमें भ्रम बना रहता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, अर्थात हम सांप को रस्सी समझ कर उठा लेते हैं तो हमारे मन में भ्रम की स्थिति है इसलिए ऐसा हम कर देते हैं, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। इसके अलावा अभी बचा और अतिशोक्ति अलंकार, वो इसमें नहीं बताया मैंने आपको, अतिशोक्ति अलंकार भी हमारे पाठ्यक्रम में है कि जब अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसके अलावा एक होता है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ कुछ भी हो उसका, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्ति अलंकार होता है। एक होता है मानवीकरण, जब हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में मान लेते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये जो उदाहरण थे हमारे जो सिलेबस में जो है ये छह अलंकार तो ये वाले हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान और संदेह, ये आठ अलंकार हैं आप हमारे 11th के 12th के पाठ्यक्रम में, तो इनको हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में बच्चों आप समझेंगे और एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और सुनेंगे इसको तभी आपको समझ में आएगा।